हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और लॉकडाउन में लाइफ कैसी चल रही है, क्या आपने कोई नई चीज़ें सीखी हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्रीन शेयरिंग के बारे में, किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अपने लैपटॉप में शेयर कर सकते हैं और एक बड़ी स्क्रीन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको जाना होगा अपने लैपटॉप के स्टार्ट मेन्यू में। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखाई देगी कनेक्ट नाम से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की खुद की एप्लीकेशन है। कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और ये इनबिल्ट आती है। आप जब नया लैपटॉप परचेज़ करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके लैपटॉप का नाम डिस्प्ले हो रहा होगा और उसके नीचे लिखा होगा कि आपका जो लैपटॉप है अब वायरलेस कनेक्शन के लिए रेडी हो चुका है। बट ये जो मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर आपको एक मैसेज और दिखाई देगा कि दिस डिवाइस माइट हैव ट्रबल डिस्प्लेइंग योर कंटेंट बिकॉज इट्स हार्डवेयर वॉज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर वायरलेस प्रोजेक्शन। इसका मतलब ये है कि लैपटॉप मेरा पुराना है थोड़ा, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको सेटअप करने में और उसको यूज़ करने में। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हो गया लैपटॉप का सेटअप। इसके बाद में आपको जाना होगा अपने फ़ोन के अंदर, वहाँ पे आपको वायरलेस डिस्प्ले की सेटिंग ढूंढनी होगी, वहाँ पे जाके उसको इनेबल करना होगा। इसके बाद आपको अपने लैपटॉप का नाम वहाँ पर शो होने लग जाएगा और उस लैपटॉप के नाम पे आपको क्लिक करना है, टच करना है और उसके बाद ये कनेक्टिंग शो करने लगेगा। और कनेक्टिंग शो करने के कुछ देर बाद आप देखेंगे आपके लैपटॉप में आपका जो फ़ोन की स्क्रीन है वो प्रोजेक्ट हो जाएगी, वो शेयर हो जाएगी और आपके जो फ़ोन की स्क्रीन है आपको लैपटॉप में दिखने लगेगी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का सेटअप दिखाई देता है पूरा। आपकी स्क्रीन आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में शेयर हो रही है और काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आपकी स्क्रीन लैपटॉप में कनेक्ट हो जाती है तो आप बड़ी स्क्रीन का फ़ायदा उठा सकते हैं, मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, मैंने अपना चैनल खोला हुआ है और अपने चैनल का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है जब आप अपने फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करके कोई वीडियो या मूवी एंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये भी मेरा लेटेस्ट वीडियो है और मैं इसको प्ले करता हूँ और फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे कि ये पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में चला जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और वीडियो ही नहीं, आप चाहें तो कोई गेम भी एंजॉय कर सकते हैं फुल स्क्रीन में, उस गेम का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को लैपटॉप से शेयर करने की बात। और अब बात कर लेते हैं टीवी के साथ शेयरिंग की। अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन की स्क्रीन आपके टीवी के साथ शेयर हो जाए जिससे आप बड़ी स्क्रीन का फ़ायदा उठा सके मूवीज़ या गेम्स को एंजॉय करने के लिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में स्क्रीन को शेयर करना है अपने मोबाइल फ़ोन की। उसके बाद आपको एक HDMI केबल की ज़रूरत पड़ेगी। उस HDMI केबल के साथ आप टीवी को लैपटॉप से कनेक्ट कर दीजिए, बस आपका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। अब आप देखेंगे कि आपकी जो टीवी की स्क्रीन है वहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन शो हो रहा है और आप इजीली इस बड़ी स्क्रीन का फ़ायदा उठा सकते हैं कोई भी वीडियो एंजॉय करने के लिए या कोई गेम बड़ी स्क्रीन पर खेलने के लिए। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।